पीएम मोदी ने आज मन की बात के 107वें एपिसोड में देश को किया संबोधित। मुंबई हमले में मारे गए लोगों को किया याद। पीएम मोदी ने शहीदों को भी दी श्रद्धांजलि। तेलंगाना के हैदराबाद में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुनी पीएम मोदी के मन की बात। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी भी रहे मौजूद। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 107वां एडिशन पटना में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा के साथ पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। चंपावत के टनकपुर में आम जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सुनी मन की बात। संविधान दिवस के मौके पर आज सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाएगी भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा। वकील की पोशाक में 3 फीट के बेस स्टैंड और 7 फीट ऊंची प्रतिमा। हाथ में संविधान की कॉपी लिए खड़े हैं बीआर अंबेडकर। देर रात विधानसभा चुनाव में वोटिंग आंकड़ा बढ़कर हुआ 74.13%। 9.22% ईवीएम में खराबी की मिली शिकायत तो कई जगहों से हिंसा की छुटपुट घटनाएं भी आई सामने। मरुधरा के रण में 1875 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। ईवीएम में कैद स्ट्रांग रूम में ईवीएम की सुरक्षित रखने का सिलसिला जारी। अब 3 दिसंबर को होगी नतीजों की घोषणा। चुनावी महासभा में दिग्गजों ने किया मतदान। स्पीकर बिरला, राज्यपाल मिश्र, असम राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, सीएम गहलोत और पूर्व सीएम राजे ने की वोटिंग। मतदान के लिए सीएम गहलोत ने वोटर्स को प्रकट किया आभार का। धन्यवाद राजस्थान, मेरे प्रदेश के हर एक मतदाता को धन्यवाद। सीएम अशोक गहलोत के तेलंगाना दौरे में बदलाव। सीएम गहलोत आज नहीं जाएंगे तेलंगाना, सीएम गहलोत कल जा सकते हैं तेलंगाना। प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया समाप्त। 56 जगह हुआ उपद्रव। धौलपुर के बाड़ी से बूथ कैप्चरिंग के को लेकर फायरिंग और पथराव। 4 लोग हुए घायल। जयपुर की हवामहल विधानसभा में हंगामे का मामला। वोटर लिस्ट में नाम कटा हुआ मिला तो हंगामा। सेक्टर मजिस्ट्रेट को घेरा, पुलिस प्रशासन ने संभाला मोर्चा। राज्य की 199 सीटों पर हुआ 74.96% मतदान। पिछले चुनाव में 0.90% ज्यादा हुआ मतदान। लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में लिया भाग। मतदान को लेकर बड़ी जागरूकता। 7 सीटों पर बड़ा वोट प्रतिशत। जयपुर के किशनपुल में हुई बंपर वोटिंग। 76.87% हुआ मतदान। राजस्थान में कल हुआ मतदान। प्रदेश भर से आई अलग अलग तस्वीरें। दिव्यांगों और बुजुर्गों ने किया अपने अपने मताधिकार का प्रयोग। कहा खुद चल नहीं पाते लेकिन चाहते हैं लोकतंत्र दौड़े। जयपुर की आदर्श नगर सीट पर कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर। वोटिंग को लेकर महिलाओं की लगी लंबी कतारें। पुरुष मतदाताओं में भी दिखा उत्साह। चूरू में मतदान के दौरान उपद्रव का मामला। सादुलपुर में महलाना गांव में पुलिस ने की फायरिंग। फर्जी वोटिंग की सूचना के बाद पोलिंग स्टेशन के बाहर लगी भीड़। आधा घंटा मतदान रहा बाधित। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में रखवाई गई अजमेर जिले की ईवीएम। सीआईएसएफ की कंपनी को सौंपा गया सुरक्षा का जिम्मा। स्ट्रांग रूम के बाहर की गई ट्रिपल लेयर की सुरक्षा व्यवस्था। 3 दिसंबर को होगी मतगणना। कांग्रेस ने 4 पार्षदों पर चलाया अनुशासन का डंडा। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के 4 पार्षद पार्टी से निष्कासित। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने किए आदेश जारी। पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ कर रहे थे खाम। झुंझुनू की आबोहवा लगातार हो रही खराब। एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा 340 के पार। बीते 15 दिनों में बढ़ा प्रदूषण का ग्राफ। लोगों में आंखों में जलन की शिकायत। बाड़ी में नाकाबंदी के दौरान मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई। बसेड़ी रोड से 2 को किया गिरफ्तार। हथियार और रुपए के साथ आरोपी किए गए गिरफ्तार। पाली के बाली में बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। चालक वाहन समेत मौके से हुआ फरार। जीके कामा से अवैध खनन के दौरान भरभराकर ढही पत्थर की खान। मलबे में दबी 5 डंपर और 2 पोकलेन मशीनें। 3 मजदूर भी मलबे में दबे। 1 मजदूर की हुई मौत। 2 को निकाला गया बाहर। उदयपुर में जमीनी विवाद को लेकर भाइयों के परिवार में हुआ खूनी संघर्ष। भाई ने भाई और भतीजे पर किया कुल्हाड़ी से वार। हमले के बाद आरोपी मौके से हुआ फरार। दोनों को लहूलुहान हालत में गोगुंदा अस्पताल में करवाया भर्ती।
डूंगरपुर के आसपुर में बेलेश्वर धाम की पीठाधीश्वर की कार पर अज्ञात बदमाशों ने किया पथराव। पथरावे महंत अच्युतानंद महाराज हुए गंभीर रूप से घायल, निजी अस्पताल में उपचार के बाद अहमदाबाद किया गया रेफर। पुष्कर सरोवर में ब्रह्म चतुर्दशी पर बड़ी संख्या में साधु संतों का शाही स्नान, सप्तऋषि घाट पर दिया नशा मुक्ति का संदेश। सेना पीठाधीश्वर संत अचलानंद जी महाराज के सानिध्य में दिया नशा मुक्ति का संदेश। नीमका थाना में चोरों का आतंक, दुकान से 7 लाख रुपए के मोबाइल एक्सेसरीज को किया पार, दुकान पर लगे कैमरों को तोड़कर डीवीआर मशीन भी ले गए साथ। कोटा के आरकेपुरम थाना क्षेत्र में वोटिंग का चोरों ने उठाया फायदा, वोटिंग के दौरान एक सोने मकान को बनाया निशाना, मकान का ताला तोड़कर सोने के जेवर किए पार, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। सिरोही के आबू रोड में अरबुदांचल में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू, बिजली की गड़गड़ाहट के साथ झमाझम बारिश, तेज बारिश के चलते सड़कें हुई जलमग्न। बालोतरा में मतदान के बाद बदला मौसम का मिजाज, बिजली गर्जना के साथ हुई बारिश, अचानक बदले मौसम ने बढ़ाई ठिठुरन, तापमान में भी आई भारी गिरावट। कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल जाट पर हुआ जानलेवा हमला, हमले में रामलाल जाट सहित कई नेता घायल, सेनुंदा के पास का मामला। सुरे के जावाल में लोकतंत्र के महापर्व को लिखा लेकर दिया गजब का उत्साह, जावाल नगर पालिका क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर लगी लंबी कतारें, शादी से पहले दूल्हे ने किया मतदान। जोधपुर के लूणी में मतदान को लेकर लोगों में दिखा उत्साह, सुबह व्हीलचेयर पर बुजुर्ग महिला मतदाता के लिए पहुंचे मतदान केंद्र। जैसलमेर विधानसभा के तेज मालता गांव में मतदान का बहिष्कार, बिजली समस्या को लेकर मतदान का बहिष्कार। जयपुर की मालवीय नगर से कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना शर्मा आदर्श विद्या मंदिर पोलिंग बूथ 124 पर पहुंची, फर्जी मतदान की सूचना पर पहुंची पोलिंग बूथ, दोनों तरफ से लगाया गया फर्जी मतदान का आरोप। नागौर में मतदान प्रक्रिया समाप्त, उत्साह के साथ मतदाताओं ने किया अपने मत का प्रयोग, नागौर जिले की सभी विधानसभाओं में जमकर हुई वोटिंग। उदयपुर में संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने किया मतदान, सेंट मैरी स्कूल में मतदान करने पहुंचे संभागीय आयुक्त। चूरू के सुजानगढ़ में ईवीएम मशीन खराब होने के 1 घंटे तक रुका रहा मतदान, गांव परेवड़ा में बूथ नंबर 45 का मामला, वहीं शहर के लील गरान मस्जिद स्थित बूथ 197 पर बंद हुई ईवीएम, दूसरी मशीन लगाकर दोबारा शुरू कराया गया मतदान। राजस्थान विधानसभा चुनाव, अजमेर में एसपी चुनाराम जाट ने मतदान केंद्र पहुंचकर लिया सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा, पुलिस के अधिकारियों को दिए विशेष दिशा निर्देश। जयपुर में मतदान को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज, बूथ संख्या 133 आदर्श नगर मतदान केंद्र पर 95 वर्षीय लक्ष्मी देवी ने किया मतदान। अजमेर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित पहुंचे जवाहर स्कूल, अपने मताधिकार का किया प्रयोग, बूथ व्यवस्थाओं को लेकर भी लिया जायजा का, बूथ पर रहे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कोटा में पहली बार 33 ट्रांसजेंडर्स ने किया मतदान, आधा दर्जन से अधिक ट्रांसजेंडर्स एक साथ मतदान करने पहुंचे। वल्लभबाड़ी में सरकारी स्कूल में केंद्र पर सभी का ने किया मतदान, जिला परिषद सीईओ ने माला पहनाकर किया स्वागत। भिंडवाड़ा के चवरली में ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार का किया ऐलान, गांव को टीएसपी क्षेत्र में शामिल करने की मांग को लेकर मतदान बहिष्कार, पिंडावक एसडीएम रवि प्रकाश ने की समझाइश। जयपुर की सिविल लाइन्स में बीजेपी प्रत्याशी गोपाल शर्मा की शिकायत के बाद एक्शन में पुलिस, पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर डीसीपी साउथ योगेश गोयल का एक्शन, 3 आरोपियों को हवालात में किया बंद। मालपुरा में मतदान को लेकर प्रशासन रहा अलर्ट, टोक कलेक्टर ओम प्रकाश बैरवा और एसपी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। आदर्श नगर के महात्मा गांधी स्कूल में मतदाता हुए परेशान, वोटर लिस्ट में नाम न होने से जताई नाराजगी, फॉर्म 15 की कोई व्यवस्था नहीं की गई का लगाया आरोप।
हनुमानगढ़ जंक्शन के भाग संख्या 113, 114, 115 में मतदाताओं का हंगामा। मतदान केंद्र के अंदर लाइटिंग कम होने से मतदाताओं ने जताया एतराज। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सही करवाई लाइटिंग की व्यवस्था। श्रीमाधोपुर में विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला अनोखा नजारा। दूल्हे ने मंडप घर से दुल्हन को घर ले जाने से पहले किया मतदान। दुल्हन के साथ सेल्फी पॉइंट पर फोटो खिंचवाकर खुशी की जाहिर। चूरू में बीजेपी उम्मीदवार हरलाल सारण के साथ धक्का मुक्की। उम्मीदवार के साथ अन्य व्यक्तियों के प्रवेश को लेकर हुआ विवाद। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता हुए आमने सामने। राजकीय बांग्ला स्कूल का मामला। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर चारों ओर उत्साह का दिखा माहौल। जयपुर के कलेक्ट्रेट की ओर से पहली बार वोट डालने वाले युवाओं को दिया गया प्रमाण पत्र। इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने के लिए जताया आभार। उदयपुर में मतदान केंद्र पर बुजुर्ग की मौत। हार्ट अटैक से हुई बुजुर्ग की मौत। अचानक बुजुर्ग मतदान केंद्र पर नीचे गिरे। अस्पताल में डॉक्टर्स ने बुजुर्ग को मृत किया घोषित। सिरोही के शिवगंज में फर्जी मतदान को लेकर दो बूथों पर हुआ विवाद। बड़ी संख्या में मतदान केंद्र के बाहर जमा हुए लोग। शिवगंज शहर स्थित मतदान केंद्र 65 और 67 का है मामला। भारी पुलिस बल मौके पर किया गया तैनात। जयपुर के झालारा में सोमेश्वरी महात्मा गांधी स्कूल में दिखा मार्मिक दृश्य। वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने से बुजुर्ग महिला नहीं कर पाई मतदान। झालावाड़ के खानपुर में लोकतंत्र के महापर्व पर शतायु पर मतदाता ने किया मतदान। 101 साल के मतदाता धनालाल बांजरा ने किया मतदान। ग्रामीणों ने शतायु पर मतदाता का किया भव्य स्वागत। अमेरिका से परिवार सहित पोखरण पहुंचे मतदाता। बूथ संख्या 99 पर अमेरिका से आए युवक राजेंद्र व्यास ने किया परिवार सहित मतदान। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में मतदान के दौरान हंगामा। भाजपा प्रत्याशी सुभाष महरिया की पुलिस से हुई बहस। मतदाता सूची में नाम नहीं होने से वोटर्स में दिखा रोष। बगरू विधानसभा वार्ड नंबर 56 का मामला। मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं होने पर हुआ विवाद। मतदान के बीच पूर्व सीएम राजे ने का दिखा देसी अंदाज। गांव सलोतिया में किसान के घर खाया खाना। खेत पर दही रोटी और हरी मिर्च खाने का लिया स्वाद। अजमेर के पुष्कर में मतदान करते ही निकले प्राण। अपने जीवन का अंतिम वोट देकर विदा हुआ मतदाता। 81 साल के वृद्ध की हुई मौत। राजकीय बालिका उच्च विद्यालय का है मामला। जोधपुर के भोपालगढ़ के कजनऊ खुर्द गांव में मतदान के दौरान विवाद। कुछ देर के लिए मतदान हुआ प्रभावित। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में की समझाइश। भरतपुर के नतबई में ग्रामीणों का मतदान बहिष्कार। गांव करेरा के ग्राम पंचायत एकता में अलग कर कल्याणपुर से जोड़ने का विरोध। पूर्व में भी कर चुके हैं मतदान का बहिष्कार। फतेहपुर में मतदान के दौरान बवाल। कांग्रेस प्रत्याशी हाकम अली और निर्दलीय मधुसूदन भिंडा के समर्थकों में पथराव। वार्ड 40 में दोनों पक्षों ने जमकर किया पथराव। पथराव में पुलिस और जवान राकेश घायल। पुलिस बल ने कराया मामला शांत। बालोतरा में मतदान केंद्र पर फर्जी मतदाता को लेकर विरोध। जानकारी मिलने पर एसपी हरिशंकर पहुंचे मौके पर। पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 167 का है मामला। सोशल मीडिया पर विरोध का वीडियो आया सामने। जोधपुर की कुड़ी में बीजेपी प्रत्याशी के कार्यालय में तोड़फोड़। जोगाराम पटेल की कार्यालय में अज्ञात लोगों ने की तोड़फोड़। टोंक के उनियारा में मतदान के दौरान मतदान केंद्र 197 पर स्थिति हुई तनावपूर्ण। लोगों ने बीएलओ पर लगाए गंभीर आरोप। वहीं थानाधिकारी छोटूलाल मीणा के नेतृत्व में मिर्च स्प्रे चलाने का भी लगाया आरोप, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से हुए घायल। धौलपुर में पोलिंग बूथ पर कैप्चरिंग का प्रयास। पोलिंग बूथ के बाहर फायरिंग और पथराव की सूचना। मतदान की ड्यूटी में लगे कर्मियों ने भी की मारपीट। एक बालिका हुई गंभीर रूप से घायल। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में गरमाया माहौल। विधायक अनिता बदेल पर बूथ के अंदर फोन करके कार्यकर्ताओं से वोट डलवाने का आरोप। कांग्रेस के कार्यकर्ता और बदेल के बीच हुई नोकझोंक। श्रीगंगानगर में निर्दलीय प्रत्याशी और पुलिस अधिकारी में नोकझोंक। प्रत्याशी के गनमैन को लेकर हुई बहस। हरीश कपूर है निर्दलीय प्रत्याशी।
जयपुर के बगरू में महिला मतदाताओं में दिखा गजब का उत्साह, नाचते गाते मतदान केंद्र पहुंची महिलाएं, मतदान केंद्र पर दिखा अलग ही नजारा। सिरोही के अनादरा में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में गड़बड़ी, नंबर एक पर भाजपा प्रत्याशी को किया हुआ है चुनाव चिन्ह आवंटित, लेकिन अनादरा में लगे अभ्यर्थी सूची में नंबर एक पर कांग्रेस प्रत्याशी का नाम, महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का मामला। मेहंदीपुर बालाजी मन डॉक्टर नरेश पुरी महाराज ने किया मतदान, उदय मतदान केंद्र संख्या 249 पर किया मतदान, बोले सभी को लोकतंत्र में भागीदारी निभानी चाहिए। झुंझुनू में निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र बांबू ने इसके दामाद और समर्थक पर हमला, मतदान केंद्र पर दो जनों के साथ की गई मारपीट, दामाद के सर पर धारदार हथियार से हुआ हमला। जीनगर स्थित बूथ संख्या 23 की घटना। बालोतरा में मतदान को लेकर मतदान में दिखा भारी उत्साह, शोर शराबे के बीच मतदान करने पहुंची दो बेटियां, जसोल कस्बे में अपने बूथ पर पहुंचकर मतदान की अपील। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर में पीठासीन अधिकारी की बड़ी लापरवाही आई सामने, बूथ संख्या 41 में मतदान की गोपनीयता हुई भंग, मतदान केंद्र में मोबाइल का किया गया उपयोग। भरतपुर के नगर विधानसभा में मतदान केंद्र पर बवाल, वोट नहीं डालने को लेकर के हुआ पथराव, रायपुर सुकेती मतदान केंद्र का मामला, मतदान कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान। चूरू के तारानगर में फर्जी मतदान को लेकर बूथ संख्या 148 पर मारपीट, सीआईएसएफ ने किया हल्का बल प्रयोग, फर्जी मतदान की बात को लेकर नोकझोंक, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। गंगापुर सिटी में पानी के से डूबने से पति पत्नी की मौत, खेत में सिंचाई का कार्य करते समय हुआ हादसा, सदर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। डीडवाना के सिंधी बस स्थित बूथ संख्या 31 पर हुआ हंगामा, कांग्रेस कार्यकर्ता और दूसरे पक्ष में हुई बहस, बहस के बाद हाथापाई तक आई नौबत, विधायक चेतन डूडी के साथ भी हुई धक्का मुक्की। भारत ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज का दूसरा मैच आज, भारत के पास लगातार छठा मैच जीतने का मौका, ऑस्ट्रेलिया की नजरें वापसी पर। मुंबई में 2008 को हुए आतंकी हमले, 26/11 की 15वीं बरसी आज, देश भर में आतंकी हमले में मारे गए लोगों, शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। इसराइल ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा को प्रतिबंधित कर आतंकी संगठन की सूची में डाला। 26/11 हमले की 15वीं बरसी पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, खुफिया सूचनाओं को नजरअंदाज करने का लगाया आरोप, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर लगाया आरोप। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले की 15वीं बरसी आज, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, वीरों को पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन। राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, का प्रचार बंद होने के बाद भी फ्री स्कीम्स, जातिगत जनगणना से वोटर्स को प्रभावित किया। तेलंगाना मंत्री कमेटी रामाराव को ईसी का नोटिस, सरकारी ऑफिस में चुनाव प्रचार का आरोप, आज जवाब नहीं दिया तो होगी कार्रवाई। हमास ने बंधकों का दूसरा बैच किया रिहा, 13 इजरायलियों और 4 विदेशियों को छोड़ा इजरायल का, पर सीजफायर की शर्तें नहीं मानने का लगाया आरोप। सीबीआई ने टीएमसी सांसद महुआ मित्रा के खिलाफ जांच शुरू की, कैश फॉर क्वायरी केस से जुड़ा है मामला, बीजेपी सांसद ने लोकपाल से की थी शिकायत। उत्तरकाशी के सिलक्यारा बरकोट टनल में मजदूरों को बाहर आने में अभी भी लगेंगे 6-7 दिन, उत्तरकाशी में आज से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू, मजदूरों और रेस्क्यू टीम के बीच 60 मीटर की दूरी। केरल की कोचीन यूनिवर्सिटी में भगदड़ में 4 स्टूडेंट्स की मौत, 60 घायल, एनुअल फंक्शन में भीड़ बढ़ी, बारिश से अफरा तफरी मची। मणिपुर के कंगपोखली में गोलीबारी, वॉलंटियर की मौत, 5 दिन पहले इंडियन रिजर्व बटालियन के 2 लोगों की हुई थी हत्या। फिर गैस चेंबर बन रही दिल्ली, प्रदूषण से अभी राहत नहीं, एक ही अभी भी बहुत खराब श्रेणी में, अक्षरधाम इलाके में धुंध की परत देखी गई। हरियाणा के सोनीपत में हिली धरती, सुबह 4 बजे महसूस हुए भूकंप के झटके, तीव्रता 3 रही रेक्टर स्केल पर, जान माल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं। हरियाणा में 40,000 बुजुर्गों ने पेंशन लेने से किया इनकार, 100 करोड़ की बचत, सीएम बोले इस राशि को सेवा आश्रम के निर्माण में देंगे।
रणबीर की फिल्म एनिमल का ट्रेलर रिलीज, लीड रोल में नजर आएंगी एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना। बाप बेटे के रिश्ते की दिलचस्प कहानी है एनिमल। वीकेंड पर चमकी टाइगर 3 की किस्मत, 14वें दिन का शानदार परफॉर्मेंस, फैंस ने दिया जी भर के प्यार। बिग बॉस हाउस से हुआ चौथा एविक्शन, शो से 3 कंटेस्टेंट्स हो चुके हैं आउट, शो को काफी पसंद आ रहे कर रहे हैं फैंस। 47 साल के रणदीप हुड्डा करने जा रहे हैं शादी, सोशल मीडिया पर वेडिंग कार्ड किया शेयर। इम्फाल की एक्ट्रेस लिन लेश्राम से रचाएंगे शादी। 85 करोड़ में बनी शाहरुख की फिल्म डंकी, रिलीज से पहले कमाए 100 करोड़ रुपए, 75 दिनों में फिल्म की शूटिंग हुई थी पूरी।